नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, यानी गणित, जो कि वर्कशीट नंबर 8 है और ये 23 जुलाई 2021 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रेखा, रेखाखंड और किरण। तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं। रेखा क्या होता है? तो साधारण शब्दों में सरल रेखा बिंदुओं से मिलकर बना एक सीधा रास्ता है, ठीक है? बिंदुओं से मिलकर के बना एक सीधा रास्ता है, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं होता, यानी इनफाइनाइट तक ये चलता रहता है, ठीक है। जैसे रेखा को उस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के द्वारा नामित किया जा सकता है, जैसे ए और बी। ए और बी इस तरह से रेखा पे दर्शाया गया। अब रेखाखंड क्या होता है डियर स्टूडेंट? रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसका के दोनों ओर अंत बिंदु निश्चित होता है। रेखाखंड को मापा जाता है, यानी यहाँ से आप स्टार्ट किए और यहाँ ये दोनों का अंत बिंदु है, लेकिन अगर ये लगा दिए तो ये अंत बिंदु नहीं है, ठीक है। तो ये अंत बिंदु है, ठीक है, और रेखाखंड को इसके दोनों अंत बिंदुओं द्वारा नामित किया जा सकता है। जैसे देखिए ए और बी, ये अंत बिंदु द्वारा नामित किया जा रहा है। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट किरण, किरण क्या होता है, राइट? तो किरण जो है ना, किरण रेखा का वह भाग है जिसका एक अंत बिंदु है किंतु दूसरा दिशा यह अनंत है। एक तो अंत बिंदु है और दूसरा दिशा अनंत है, इसे कहते हैं किरण कहते हैं, ठीक है। तो यह रेखा हो गया जिसका कोई अंत नहीं है, रेखाखंड हो गया दोनों दिशा अंत है, और किरण हो गया जिसमें एक दिशा अनंत है और एक दिशा अंत है। किरण को नामित करने के लिए हम अंत बिंदु का पहले लेते हैं, यानी अंत बिंदु। ये देखिए जैसे ए बी, ये है क्या ए बी, तो इसी तरह हमने ले लिया। अब आइए हम इसमें देख रहे हैं, नीचे दी गई आकृति को देखें, उन्हें रेखा रेखाखंड या किरण के रूप में पहचाने और नामांकित करें। तो ये कौन सा है, देखिए ये तो किरण है, राइट। ये कौन सा है, ये रेखाखंड है, और ये क्या है डियर स्टूडेंट, रेखा है, ठीक है। ये क्या है, रेखा है। रेखा मतलब दोनों ओर अनंत बिंदु है, ये दोनों ओर अंत बिंदु है, ये एक ओर अंत है और एक ओर अनंत है, ठीक है। अब देखिए, आइए हम अब कोण और उनके कुछ गुणों की पुनरावृत्ति करेंगे, कोण और उसके कुछ गुणों को बनाएंगे, ठीक है। कोण एक बिंदु पर मिलने वाली दो किरणें रेखाखंड द्वारा बनाई गई आकृति होती है। जैसे जब दो रेखा रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तब इन प्रकार बने कोण कुछ विशेष गुण रखते हैं, जैसे फिगर वन में हम देखेंगे, फिगर वन में, ठीक है। अब देखिए, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री होता है। फिगर वन यहाँ देखिए, ये रहा आपका फिगर वन, ठीक है। एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री होगा, एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर होगा, ठीक है। ये शीर्षाभिमुख कौन से, ये सरल रेखा युग्म से होगा। इसी प्रकार एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री होगा, टू इक्वल टू एंगल थ्री होगा, और प्लस इक्वल टू एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर होगा, थ्री इक्वल टू एंगल फोर होगा, और फिर ये फोर इक्वल टू एंगल वन होगा, तो ये 180 होता है, राइट। तो इसको ऐसे हम बता सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, उसके बाद इसके इक्वल ये है, एक सेकेंड, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, और इसके इक्वल ये है, ठीक है, और ये 180 होता है। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो इसमें जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, तो इसके कई प्रकार के कोण निर्मित होते हैं। इनके कुछ दिलचस्प संबंध होते हैं दी गई फिगर दो में, जो एल पैरेलल किसका, एम का है, ठीक है। एल पैरेलल किसका, एम का है, ठीक है। ये समानांतर कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो चलिए इसमें हम निरीक्षण करते हैं। देखिए, कोणों का प्रकार, आकृति में कोण, संगत कोण युग्म, यानी एंगल वन इक्वल टू ये एंगल फाइव है, ठीक है, संगत कोण युग्म, और एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स है, यानी टू इक्वल टू एंगल सिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आप एंगल थ्री इक्वल टू एंगल सेवन हो जाएगा, और एंगल फोर इक्वल टू एंगल एट हो जाएगा। ये हमारा संगत कोण से है, राइट। अब इसके बाद देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर यानी एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव, यानी अंतः एकांतर ये और ये, ठीक है, ये और ये जो है ना क्या है, दोनों एक है, ठीक है। और फोर इक्वल टू ये सेवन, सॉरी फोर इक्वल टू ये एंगल एट, ये वाला जो है ना ये, तो ये अंतः एकांतर कोण से बराबर है। और बाह्य एकांतर कोण, यानी बाह्य एकांतर कोण यानी ये वन है तो ये सेवन है, ये
उसके बाद ये टू है डियर स्टूडेंट, तो ये एट वाले एंगल है, ठीक है। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ही ओर बने अनंत अंतःकोण युग्म संपूरक, यानी एंगल थ्री जो है ना ये सिक्स के बराबर है, ठीक है। तिर्यक कोण है ये, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल फोर, ये एंगल फाइव, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, बच्चे स्वयं करके देखिए, एल एम यानी ये दोनों, ठीक है, और ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, एन है, ठीक है। तो चलिए, दी गई फिगर में एल पैरेलल एम ब रेखा एन एक तिर्यक है, यदि एल इक्वल टू 115 डिग्री है हो तो निम्न कोण के माप ज्ञात कीजिए और प्रत्येक प्रयुक्त कोण संबंध का उल्लेख कीजिए, इसमें जो कोण है उसका उल्लेख भी करना है, तो एंगल दो, एंगल थ्री, एंगल फाइव और एंगल एट। तो चलिए हम इसे देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये लगा लेना है, ठीक है। अब देखिए, दिया है एंगल वन इक्वल टू 115, तो एल पैरेलल किसका, एम का, जहाँ एन एक तिर्यक रेखा, तो ए ये वन इक्वल टू ये टू हो जाएगा, ठीक है, ये 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक युग्म से। उसके बाद 115 प्लस अंडर रूट टू, यानी 115 और प्लस 115 दे रखा है, यानी एंगल वन जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें आप देख पा रहे हैं ये एंगल वन जो है ना क्या है, 115 गिवन है, ठीक है, और एंगल टू इक्वल टू 180, तो 180 में से रूट टू का एंगल टू का वैल्यू आ जाएगा हमारा जो है ना 65 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ एंगल थ्री प्लस एंगल फोर वन इक्वल टू 180, ये शीर्षाभिमुख कौन से होगा, तो थ्री प्लस वन वन फाइव, तो ये 180, तो एंगल थ्री इक्वल टू 180 में से 115 अगर माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, तो एंगल थ्री इक्वल टू 65 हो जाएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, इसी में जो एंगल एट प्लस एंगल टू इक्वल टू 180, तो एंगल 8 तो है, एंगल 2 65 हमारा निकला है इससे पहले, तो 180 में से तो एंगल 2 इक्वल टू 65 हमने लिया, ठीक है, तो एंगल 8 इसमें से हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा 115 आ जाएगा, यानी 115 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कौन से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में हम देखेंगे स्टूडेंट, एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ये रैखिक युग्म है, ये तो 6 115 डिग्री है, और एंगल 5 इक्वल टू 180, तो एंगल 5 निकालने के लिए 180 में से 115 माइनस करेंगे, ठीक है, तो एंगल हमारा जो है ना डियर स्टूडेंट 65 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स।